Bismillahirrahmanirrahim. I am Munir Ahmed. Dear students, today we are going to discuss one of the respiratory disorder is known as sinusitis. After this lecture, students will able to explain what is sinusitis and what is the concept of sinusitis, etymology of sinusitis, risk factors, causes, symptoms, preventions, and what are the treatments of sinusitis. सबसे सब पहले साइनोसाइटिस का कॉन्सेप्ट समझते हैं साइनोसाइटिस का कॉन्सेप्ट समझने से हमें यह पता चलेगा कि साइनोसाइटिस की प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल हो सकती है और असल में यह है क्या चीज है साइनस का जो इंफेक्शन है साइनस में जो इंफ्लमेशन है साइनोसाइटिस कहलाता है अब असल में यह साइनस क्या है साइनस को पहले डिस्क्राइब करते हैं साइनस क्या है फिर जब साइनस का कंसेप्ट क्लियर होगा उसी साइनस में जब इंफेक्शन होगा तो उस इंफेक्शन को हम साइनोसाइटिस कहेंगे सबसे पहले प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि साइनोसाइटिस क्या है फिर साइनस की तरफ आते हैं साइनोसाइटिस इज एन इंफ्लामेशन साइनोसाइटिस क्या है इंफ्लामेशन है इंफ्लामेशन असल में क्या है इनफ्लामेशन बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स पैथोजेंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो उसके रिएक्शन में उसके रिस्पांस में जो इम्यून रिस्पांस होता है वहां पर रेडनेस भी हो सकती है कोई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है उस रिएक्शन को असल में इंफ्लामेशन कहते हैं साइनोसाइटिस इज इंफ्लामेशन ऑफ द टिश्यू ये उन टिश्यू का इंफ्लामेशन है लाइनिंग साइनस जो साइनस को लाइंस कर रही है अब साइनोसाइट साइनस क्या है इसको डिटेल से देखते हैं अगर आप डायग्राम को देखें डेफिनेटली डायग्राम आपको भी अच्छी लगी होगी कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिए अच्छा साइनो साइनस क्या है बॉडी की स्कल बोन्स में समाल कैविटीज या एयर स्पेसेस एयर फेल्ड स्पेसेस होते हैं उन कैविटीज को असल में साइनस कहते हैं क्योंकि साइनस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका क्या मतलब होता है कैविटी साइनस की अगर एटिमोलॉजी देखें साइनस है क्या साइनस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है कैविटी साइनस क्या है एयर फिल्ड कैविटी ऑफ सर्टन बोन्स ऑफ स्कल ये एयर फिल्ड कैविटीज हैं बोन्स ऑफ स्कल में विच आर कनेक्टेड विथ नेज़ल कैविटी जो किसके साथ असल में नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट होती हैं, इन एयर फिल्ड कैविटीज को असल में साइन साइनस कहते हैं क्योंकि साइनस कैविटी को कहते हैं अब साइनोसाइटिस को साइनोसाइटिस क्यों कहते हैं क्योंकि साइनस कैविटी है और आइटिस कहते हैं इंफेक्शन को साइनस का जो इंफेक्शन है वो साइनोसाइटिस है अब देखते हैं कि असल में साइनस है क्या चीज आइज के ऊपर यहां पे जो बोन्स हैं इन बोन्स में स्मॉल स्पेसिस या कैविटीज होती हैं जिनको फ्रंटल साइनस कहते हैं जो मैंने यहां पे डिस्क्राइब भी किया है प्रेजेंट इन फोरहेड, हेड प्रेजेंट इन फोरहेड, हेड इन स्मॉल कैविटीज को हम क्या कहते हैं फ्रंटल साइनस इसके बाद हमारे यहां चीज की जो बोन्स हैं इनमें भी इनमें भी समाल कैविटीज होती हैं जिनको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं इसके अलावा आइस के दरमियान आइस के मिड में एक कैविटी होती है एक साइनस होती है जिसको इथमाइट साइनस कहते हैं प्रेजेंट बिटवीन द आइस इस आइस केवटीज जो है जिसको हमने साइनस कहा इस साइनस के बैक पे इसी साइनस की बैक पे एक और साइनस भी मौजूद होती है जिसको हम साइनस कहते हैं सो बेसिकली फोर होती हैं एक जो है वो साइनस जो फोर हेड में मौजूद है जिसको हमने फरंटल साइनस कहा प्रेजेंट इन फोरहेड हेड एक वो साइनस है जो चीक्स में चीज की बोन्स में मौजूद है कैविटी है उसको हम मेगरी साइनस कहते हैं प्रेजेंट बिहाइंड चीज के बिहाइंड है थर्ड जो साइनस है जिसको हम इथमाइड साइनस कहते हैं जो कहा है इन बिटवीन आइस और इसी इथमाइड आइस जो आ, साइनस है इसके बैक पे एक और कैविटी मौजूद होती है जिसको हम स्पीनाइड साइनस कहते हैं सर आई अ क्वेश्चन क्यों होती हैं इनके फंक्शंस क्या हैं? असल में ये जो कैविटीज होती हैं या ये जो स्पेसेस होते हैं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्या इंपॉर्टेंस है एक तो ये इंपॉर्टेंस है कि स्कल जो बोन्स हैं उनका वेट कम करती हैं मींस के लाइटर स्कल करती हैं क्योंकि स्मॉल कैविटीज हैं। दूसरा इनका ये फंक्शन है कि ये में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोड्यूस म्यूकस और इन साइनस का काम क्या है म्यूकस को प्रोड्यूस करना और ये जो म्यूकस यहां पे प्रोड्यूस होता है इन साइनस या एयर कैविटीज में प्रोड्यूस होने के बाद फेरिंग्स एंड नेजल कैविटीज में आता है जो एयर को क्या करता है वार्म भी करता है और जो पैथोजें वगैरह हो फॉर एग्जाम्पल यहां से बना है अब यहां पर आएगा और जो पैथोजें वगैरह हो वो क्या हो जाए ट्रैप हो जाए इसकी ये इंपॉर्टेंस है अब sinusitis क्या है असल में जो हमारा आज का टॉपिक है साइनस कहते हैं कैविटी को जो आपने देख ली साइनस क्या है और उसके फंक्शन क्या है और आइटस कहते हैं इन्फेक्शन को जब इन कैविटी का इन्फेक्शन होगा इसको हम साइनोसाइटिस कहेंगे अब इन्फेक्शन असल में क्या होगा अगर किसी भी इंजरी या किसी भी वजह से पोल्स ग्रेंस की वजह से एलर्जेंस की वजह से अगर ये जो साइनस हैं अगर ब्लॉक हो जाएं जब ये ब्लॉक होंगे तो ब्लॉक होने के बाद इनके अंदर जो म्यूकस है वो अंदर ही स्टोर रहेगा जबकि यहां पर जो समाल पोर्स हैं जिनके थ्रू ये बाहर आते थे वो पोर्स अब क्या हो गए हैं ब्लॉक हो गए हैं तो अब क्या होगा जितना भी म्यूकस है अब इस कंडीशन में वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा ब्लॉक होने के रिजल्ट में जितना भी जो म्यूकस है इंसाइनस ने प्रोड्यूस किया है वो इन इंसाइनस के अंदर रह जाएगा तो क्या होगा अब इजीली बैक्टीरिया, क्योंकि उनके लिए फूड प्रोवाइड है अब वो क्या करेंगे इजीली जो बैक्टेरियाज हैं पैथोजेंस हैं वो क्या करेंगे यहां पे इंफेक्शन काज कर जाएंगे इस कंडीशन को साइनोसाइटिस कहते हैं अगेन रिवाइज करता हूं कि साइनोसाइटिस क्या है स्कल की बोन्स में समाल कैविटीज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं साइनस कहते हैं अब एयरफिल्ड कैविटीज ऑफ सर्टन बोन्स ऑफ द स्कल विच आर कनेक्टेड विद नेजल कैविटी जिनका कनेक्शन किससे होता है नेजल कैविटी से कनेक्शन होता है इन साइनस को कौन सा कहते हैं सा, इन साइनस को डिफरेंट नाम्स देते हैं यहां पे जो साइनस हैं उनको फ्रंटल जो आइस के दरमियान यहां पे साइनस हैं, इनको एथमाइड जो इन एथमाइड के बैक पे एक साइनस मौजूद होता है जिनको हम स्पिनाइड और जो चीक्स, बिहाइंड चीक्स जो होते हैं कैविटीज मौजूद होती हैं, इनको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं इनका मेन फंक्शन वॉइस को इंप्रूव करना म्यूकस बनाना और म्यूकस को इस नेजल कैविटी में रिलीज करना और नेजल कैविटी को मॉइस्चर प्रोवाइड करना जो क्या करेगा एयर को वार्म करेगा पैथोजेंस को ट्रैप करेगा लेकिन अगर इन साइनस में इंफेक्शन हो जाए इन साइनस में इंफ्लामेशन हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए तो म्यूकस क्या बाहर रिलीज हो सकेगा नेजल कैविटी में नहीं हो सकेगा और यहां पे क्या होगा बैक्टीरिया इन्वेड कर जाएंगे अब इन साइनस में इन साइनस की जो इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है इस कंडीशन इस डिसऑर्डर को हम साइनोसाइटिस कंसेप्ट के बाद अब साइनोसाइटिस की काजेस को डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर्स या कौन से काज हैं जो साइनोसाइटिस बनाते हैं अगर इसकी काजेस में देखा जाए तो मोस्टली बैक्टीरिया एंड वायरसेस साइनोसाइटिस को काज करते हैं उसकी रीजन क्या है जो ही साइनस ब्लाक हुई साइनस के अंदर म्यूकस हुआ अब ये म्यूकस क्या करेगा इन बैक्टीरिया, इन वायरसेस की ग्रोथ करवाएगा और इंफेक्शन अब सबसे ज्यादा जो है वो बैक्टीरिया है जिसमें एक एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है हिमोफिलेस इंफ्लुएंजी ये बैक्टीरिया है इसके बाद अगर वायरस की बात की जाए तो वायरस में राइनो वायरसेस जो है वो मोस्टली साइनोसाइटिस इंफेक्शन जो है वो काज करता है इसके बाद फंगी भी है और एलर्जिक रिएक्शंस जैसे डस्ट और पोलेंस की वजह से अगर एलर्जी है उस वजह से भी साइनोसाइटिस काज हो सकता है अब इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स डेट अपियर ड्यूरिंग साइनोसाइटिस फेशियल पेन फेशियल हेडेक एंड चीक्स में टूथ में क्या होता है पेन होता है इसकी दूसरी जो सिम्टम्स है वो है कफ जिसको हम खांसी कहते हैं थर्ड वन है नेजल स्टफनेस नेजल स्टफनेस का क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं हो रहा ब्लॉक हो गया है डिफरेंट कैविटीज में तो हमारा सर क्या होगा भारी भारी होगा इसको हम क्या कहेंगे नेजल स्टफनेस कहेंगे उसके बाद अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्लॉकेज ओपन होगी तो क्या होगा थिक नेजल डिस्चार्ज होगा लॉस ऑफ स्मेल होगा स्मेल का भी लॉस होगा ये भी इसका सिम्टम्स है इसके अलावा फीवर एंड हेडेक भी होगा फीवर इस वजह से होता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर राइज करे और बैक्टीरिया या वायरसेस जिन्होंने इन्फेक्शन काज किया हुआ है वो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव ना कर सकें ये भी एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है जिसको हम फीवर कहते हैं अब इसके बाद इसके ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं कि साइनोसाइटिस की कंडीशन में कौन सी ट्रीटमेंट की जा सकती है ट्रीटमेंट में पहली ट्रीटमेंट है सेल्फ केयर सेल्फ केयर में क्या किया जा सकता है अगर ये कंडीशन है तो एक वॉश जो क्लॉथ है उसको हम क्या करें भिगो के पानी में भिगो के मॉइस्चर प्रोवाइड करके उसको वार्म करके माउथ में ऊपर रखेंगे ताकि क्या हो यहाँ से जो म्यूकस है वो रिलीज़ हो सके नेसल केवटी में वहाँ से बाहर रिलीज़ हो सके ताकि ये ओपनिंग जो हैं वो ओपन हो जाए इसके बाद हम इनहेल स्ट्रीम को भी इनहेल कर सकते हैं डिफरेंट स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं इसकी ओपनिंग के लिए इसके बाद मेडिकेशन कुछ मेडिसन यूज होती हैं इनको क्या करने के लिए इन्फेक्शन बैक्टेरिया और वायरसेस ने किया हुआ है तो उनको किल करने के लिए मोस्टली अगर बैक्टेरिया ने इन्फेक्शन काज किया हुआ है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे जो क्या करेगा बैक्टेरिया को जाके किल कर देगा इसके अलावा नेसल कार्टिकोसिटीराइड स्प्रेज भी यूज करते हैं एंट्री हिस्टामिन भी यूज़ करते हैं इम्यूनोथेरापी भी यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एलर्जी की कंडीशन में हम इम्यूनोथेरापी भी करते हैं इसके अलावा तीसरी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है फॉर एग्ज़ाम्पल बाज कम्प्लेक्स कंडीशन हो जाती हैं जब फंगी इन्फेक्शन यहाँ पे काज किया होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं स्पेशल नीडल्स इंसर्ट करते हैं थ्रू कैमरा हम जो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होते हैं यह यहाँ से केवटी इंसर्ट की यहाँ से नीडल इंसर्ट की नीडल क्या करती है यहां से अगर ब्लॉकेज है तो इस ब्लॉकेज को ओपन कर देती है और यहाँ से जितना भी मटेरियल है उसको रिलीज करवाती है इसको हम सर्जरी से भी कर सकते हैं अब लास्ट में कुछ प्रिवेंशनस हैं कौन सी प्रिवेंशन हैं फर्स्ट इज इवॉइड स्मोक एंड पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूशन काज करने वाले जो एजेंट्स हैं उनसे हमें एवॉइड करना चाहिए समोक से इवॉइड करना चाहिए एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ताकि बॉडी को इस कंडीशन में क्या हो मॉइस्चर प्रोवाइड हो अब समराइज करते हैं वट वी हैव लर्न टू डे वी डिस्कस अबाउट साइनोसाइटिस इज ऑल्सो नोन एज रहाइनोसाइनोसाइटिस एंड It is also known as upper respiratory disorder because respiratory system is divided into two categories. One is upper respiratory parts and second is lower respiratory parts. Those parts which located below the larynx, for example, trachea till alveola is known as lower respiratory parts and nose, pharynx, larynx is known as upper respiratory parts because sinusitis is the condition in which sinus in fact are inflamed is known as sinusitis and these conditions occur in sinus and sinus are present in upper parts that's why it is also called upper respiratory disorder. What is sinusitis? The inflammation of sinus is known as sinusitis and now question is what is sinus? Sinus are the small cavities, small air spaces present in skull bones which provide, which give a lighter weight to the skull and also improvise and the third and most important function that we have discussed is produce mucus. These mucus which produce here in sinus deliver to what? Deliver to nasal chamber which provide moisture and these mucus trap the bacteria and other allergen pollens etc. Then we discuss what is the etymology of sinusitis sinusitis is derived from latin word sinus which means cavity and itis means infection and then we discussed causes of sinusitis the most prominent cause is bacteria one example is here hemophilus influenza viruses fungi and allergic reaction also called sinusitis and then we discussed what are the symptoms of sinusitis there are many common symptoms of sinusitis that is facial pain pain occur in teeth and cheeks cough nasal stiffness thick nasal discharge loss of smell fever and headache and then we discussed treatments of sinusitis one treatment is self-care, other is medications and third is surgery in case of fungi infections. We also apply surgery method. And then at last we discussed preventions which <coughs> avoid smoke pollutants and second is drink plenty of water. Inshallah in next lecture we discuss another upper respiratory disorder known as otitis media. Now the short homework for the students that is write the note on sinus, sinuses and sinusitis.